मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं इस टाइम पर मौजूद हूँ पाशो वैली, जो कि स्कर्दू में वाक़ है, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। और यह अच्छी खासी तकरीबन 7 से 8 हज़ार फुट की ऊंचाई पर है। और अब आपको इसकी खूबसूरती दिखाता हूँ मैं, माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत वैली है। मौसम यहाँ का इतना बेहतरीन, हवा ताज़ी हो रही है। ये देखिए आपको इस दरिया चल रहा है, ये ऊपर से ग्लेशियर्स पिघलते हुए आ रहे हैं, तो इसमें आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये बूंदाबांदी भी हो रही है। हवा अच्छी ठंडी हवा है और इसकी खूबसूरती आपको दिखाते हैं। ये देखें आप सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, जो कि जनवरी फरवरी में इनमें बर्फ़बारी हुई थी और अभी तक इसकी बर्फ़ पूरी तरह से नहीं पिघली, और यही पिघल पिघल के पूरे साल आती है इस तरह से। और ये सामने आप देखें ब्यूटी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। तो यहाँ जीप से आ जाता है वैसे तो, जब आप स्कर्दू पे स्टे कर रहे हो तो उसके बाद आप वहाँ से जीप लेते हैं। तकरीबन 2 घंटे का ट्रैक है, बहुत तेज़ हवा चल रही है इस टाइम, मुझे शदीद सर्दी भी महसूस हो रही है क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की साथ साथ। तो ये आप तकरीबन यहाँ 2 घंटे में पहुँचते हैं और आप खूबसूरती देख सकते हैं। ये इतना चल के आना यहाँ तक, बहुत तेज़ हवा चल रही है छतरी पे। अब इंशाल्लाह आगे चलेंगे और थोड़ा सा आगे डिस्कवर करेंगे, वहाँ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत मैदान टाइप जगह है। इस तरफ थोड़े से होटल्स वगैरह बने हुए हैं, होटल्स नहीं कहेंगे, ढाबा कहेंगे, कर सकते हैं। यहाँ नज़र आ रहे होंगे आपको कैंप लगे हुए, तो अगर आप स्टे करना चाहते हैं, ये देखिए सारी चीज़ें उड़ गई हैं, बहुत ही शानदार के बाद। ये देखिए भाई, ये क्या है, ये आप जो होता है यहाँ का, ये उसका सर इन्होंने प्रिजर्व किया है। तो यहाँ आप कैंप भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप सिर्फ 2 घंटे 2.5 घंटे का स्टे करके, जैसे कि हम आए हैं अभी जीप में, तो यहाँ से स्टे करके चाहिए। देखिए बाशु वैली में जो सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं ना, याक बहुत नज़र आ रहे हैं यहाँ, और ये अचानक ही अभी आए हैं और बहुत सारे एक साथ आए हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ। और यहाँ बहुत मशहूर है याक की कढ़ाई, तो वो यहाँ के अभी हम लोगों ने ऑर्डर की है, खा के देखेंगे वो कैसी है टेस्ट में। बाकी आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ ये किस तरह, देखें पहाड़ों पर चढ़ते हैं ये। ये अभी अपना चलने में लगे हुए हैं घास। ये देखें, ये एक याक का बच्चा है, इसके पास जाऊंगा ये भाग जाएगा करीब से, इसको जाके अगर मैं, ये हाथ भी लगा देते अपने आप को। पीछे मैदान सा है या क्रिकेट चल रहा है। और ये देखें, आए ट्राई करते हैं इसको हाथ लगाने, उम्मीद है कि मारेगा नहीं। ये पहली बार देखा मैंने, इसने हाथ लगा दे रहा है।